मैंने ना शॉपिंग ही नहीं किए पूरे 2 दिन हो गए। ब्लू कलर का लू, ये भी ड्रेस बहुत ही खराब है। रेड रेड कलर के भी बहुत ड्रेस है। ये 20,000 का बहुत ही सस्ता है। मामा, मामा, सुनो ना। क्या हुआ परी, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं काम कर रही हूँ? शॉपिंग करती है दिन भर और बोल रही हूँ मैं काम करती हूँ। परी तुमने कुछ बोला? नहीं मामा, मामा मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। बोलो कितने चाहिए? बोलो कितने चाहिए? बस 2,000। यू नो परी, मेरे पास चिल्लर नहीं रहती। मामा प्लीज दो ना। तुम्हें कार्ड चलेगा? हाँ चलेगा। 2 मिनट ये लो। ओके। ये भी लो। इतने सारे? वो कम पड़े तो ये भी लो। इतने सारे कार्ड्स? ठीक है फिर से मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके मम्मा। पूरा बदन दर्द कर रहा है। क्या चाहिए परी तुम्हें? पैसे चाहिए। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। पैसे क्यों चाहिए? हाँ स्कूल प्रोजेक्ट है ना, इसलिए 2,000 चाहिए। अच्छा बस 2,000 चाहिए? हाँ बस 2,000। अरे चलो मैं ना तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। अरे यहाँ पे तो झाड़ लगा है ना पैसों का। सुबह सुबह उठ के मैं जाती हूँ, इस झाड़ को ऐसे हिलाती हूँ, फिर ऐसे नोटों की बरसात हो जाती है। हाँ ये लो 5,000 रुपए ले लो। चलो ये तो 5 रुपए है माँ। मेरे जमाने में ना ये 5 रुपए 5,000 के बराबर थे, समझी ना? जाओ अभी से 5 रुपए में प्रोजेक्ट कर लो, जाओ। माँ क्या पैसे दो ना, मुझे डॉक्टर बनना है ना। अरे रे तुझे मैं इतना पढ़ा रही हूँ लिखा रही हूँ, क्यों डॉक्टर बनने के लिए? अरे दुनिया में ना हर कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, तुम्हें तो कुछ अलग करना चाहिए। क्या अलग? अच्छा मैं सोच रही हूँ तुम ना यूट्यूब पे अपना चैनल खोल दो, परीज लाइफस्टाइल। बहुत अच्छी आइडिया है, वही कर लो, जाओ अभी यहाँ से। माँ पर मेरा प्रोजेक्ट। परी एक काम करो, यूट्यूब पे चैनल खोलो जो फ्री में खुलता है, देखो ये 5 रुपए भी मुझे वापस दो। आ गई, 2,000 रुपए चाहिए। स्कूल वाले ना तुम्हारे एक नंबर के लुटेरे लुटेरे, वो प्रिंसिपल चकना बच्चों से पैसे लूट लूट के इसने इतना बड़ा बंगला बनाया है, और तुम आ जाती हो हर महीने, मम्मा मेरा ये प्रोजेक्ट है, मम्मा मेरा वो प्रोजेक्ट है। मार्क्स तो आते नहीं, पता नहीं पैसे लेके क्या करती हो। चलो भागो इधर से। डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को नहीं, बैंडेज लगा देंगे। नहीं परी बैंडेज से नहीं होगा, प्लास्टर ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। प्लास्टर इतने से करोट के लिए? नहीं परी इन्फेक्शन हो सकता है, और तुम्हारा डॉक्टर हाथ कट किया तो। नहीं 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 परी बहुत, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं परी, बहुत खून बह रहा है। एक काम करती हूँ डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो सिटी हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। परी क्या हुआ मेरे को? कितना रोती हो तुम, ये इतनी खरोश आई है उसके लिए इतना कोई रोता है क्या? माँ दर्द कर रहा है ना, देखो ना। माँ चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? हाँ। खरोच के लिए हॉस्पिटल जाएंगे हम? हाँ। कोई बात नहीं, वो पानी से धो लो, वो साफ हो जाएगी, जाओ। माँ नहीं ना, अभी तो किचन से आई हूँ। क्यों किचन में क्या कर रही थी तुम? किचन में तो गिर गई थी। किचन?
किचन में गिर गई तू? हाँ। क्या किया किचन में तुमने? वो मैं खेल रही थी ना, तो वो मामा जी ने टी कप्स लाए, देखो उसके ऊपर मैं गिर गई और वो तोड़ दिया। हाँ। अरे इतनी सी बात है बड़ी। इतना क्यों टेंशन लेती हो तुम? तोड़ा तुमने मेरा? अरे वो मामा जी ने फॉरेन से लाया था, फॉरेन से। वो दिखा दिखा के तुम्हें मोहल्ले में सबको जला दी थी, अब तुमने उसे तोड़ दिया। रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो। हाँ है ना, बहुत ही अच्छा है ना ये। एक काम करो इसे ना पहन के आ जाओ तुम। जा, इसे कैसे पहनते? अरे अभी तो तुमने वीडियो में देखा ना, वैसे ही पहन के आ जाओ। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, दिखाओ मुझे कैसी दिखती हो तुम। मेरा पुराना पलाजो काम भी आ गया, परी को गिफ्ट दे दिया मैंने। अच्छा हुआ नए कपड़े के पैसे बचे। कैसी लग रही हूँ? बहुत ही सुंदर परी, बहुत ही सुंदर। वैसे भी तुम्हें एकदम फैशनेबल ड्रेस चाहिए ही था ना। हाँ, पर मैं इसमें देखो ना, ये फटा भी है। अरे फटा नहीं है परी, वो मैंने जानबूझ के वहाँ पे फाड़ दिया। मतलब तुम ऐसे हाथ अंदर से निकाल पाओ ना, इसीलिए। पर मैं इसमें चुड़ैल नहीं लग रही। अरे नहीं नहीं, वो तो तुम पैदा हुई तभी चुड़ैल लग रही। अभी रहने दो, अभी बहुत ही अच्छी दिख रही है। टचअप कर लो, अपने बाल बाल ठीक कर लो, बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ? तो हो गया, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट भी हो गया, सब हो गया। ठीक है अब मैं जा रही हूँ। क्या आज मेरा जन्मदिन है ना? हाँ? तो फिर मेरे सब फ्रेंड्स आ रहे खाना खाने के लिए। तुम्हें किससे पूछ के उन्हें घर पे बुलाया, अपने वो भुक्कड़ दोस्तों को? तुम्हें पता है ना, एक तो मुझे खाना बनाने के लिए कितना कंटारा आता है, और ऊपर से तेरे वो भुक्कड़ दोस्त सब एक दो तीन इतनी सारी रोटियां खाते हैं वो। अब एक काम करो, तुम खुद ही खाना बनाओ। मुझे नहीं आता ना माँ। तो तुमने क्यों बुलाया अपने दोस्तों को? ठीक है, वो टिंडे की सब्जी बना दूंगी और वो रोटी बना दूंगी। टिंडे की सब्जी तो फिर गाजर का हलवा ही बना दो ना। करेले जैसे तो तुम्हारे दोस्त है सारे, गाजर का हलवा खिलाओ। टिंडे की सब्जी और रोटी यही बनेगी, यही अपने दोस्तों को देना खाने के लिए। अरे माँ सुनो ना। अरे तो मैं चल भी नहीं सकती। Hi friends, I hope आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 5 मिलियन होने के बाद हम करने वाले हैं Q&A। तो फ्रेंड्स हम आते हैं एवरी वेडनेसडे और संडे। यस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।